अध्याय 11 यशायाह अध्याय 11। तब ईशे के ठूंठे में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा युक्ति और पराक्रम की आत्मा और यहोवा के ज्ञान और भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा और वह न तो मुंह देखा न्याय करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के नम्र लोगों के लिए खराई के निर्णय करेगा और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा और उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। सो हुंडार के भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और छोटा लड़का उसकी अगुवाई करेगा और गाय और रीछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठकर और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा और दूध पीऊआ बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और नाक के बिल में दूध छुड़ाया हुआ लड़का हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भर जाता है। और उस समय ऐसा होगा कि ईशे की जड़ को जो देश देश के लोगों के लिए एक चिन्ह है सब राज्यों के लोग ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर अपनी प्रजा के बचे हुए को जो रह जाएंगे अशुर और मिस्र और पत्रोस और कुश और एलाम और शिनार और हामात और समुद्र के द्वीपों में मोल लेकर छुड़ाएगा और वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इसराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा और एफ्रेम फिर डहाना करेगा और यहूदा के तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। न तो एफ्रेम यहूदा से डहा करेगा और न यहूदा एफ्रेम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम और पलिश्तियों के कंधे पर चपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर हाथ डालेंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लोहू से ऐसा सुखाएगा कि वह सात धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे और उसकी प्रजा के बचे हुए के लिए अशुर के एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इसराइल के लिए हुआ था। यशायाह अध्याय 12। यशायाह अध्याय 12। उस समय तू कहेगा कि हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हो अध्याय 11। यशायाह अध्याय 11। तब ईशे के ठूंठे में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा युक्ति और पराक्रम की आत्मा और यहोवा के ज्ञान और भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा और वह न तो मुंह देखा न्याय करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के नम्र लोगों के लिए खराई के निर्णय करेगा और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा और उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। सो हुंडार के भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा और बछड़ा और जवान सिंह